But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू तेजी मीडिया न्यूज़। तो गाइस आज हम बात करेंगे एंटमैन द वास्प मूवी के बारे में, एवेंजर 4 के बारे में। और आपने मेरा टाइटल और थंबनेल तो देख ही लिया होगा, तो आपको ये सारी चीजें पहले ही पता चल चुकी होंगी कि ये वीडियो किस टॉपिक पे है। तो फाइनली जो न्यूज आई है उसे सबसे पहले कन्फर्म करा है केविन फाइगी ने, जो की मार्वल स्टूडियो के प्रेसिडेंट है। उन्होंने ये कन्फर्म करा है कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में एंटमैन द वास्प नहीं दिखे थे। उसका रीजन आपको पता चल जाएगा ये मूवी देख के, बट ये मूवी सीधे डायरेक्ट कनेक्ट होगी एवेंजर 4 से, ना कि एवेंजर इन्फिनिटी वॉर की किसी भी इवेंट से, किसी भी मूवमेंट या किसी भी सीन से। ये मूवी सीधे डायरेक्ट खत्म होगी एवेंजर 4 पर। उसके बाद जो स्टोरी होगी वो आपको एवेंजर 4 में पता चलेगा, और वो आपको देखना पड़ेगा 2019 में जब वो मूवी रिलीज होगी। तो मेन सस्पेंस ये बना रहेगा कि ये मूवी डायरेक्ट कनेक्ट क्यों हो रही है। और देन सबसे बड़ी बात, इस मूवी को सिविल वॉर के बाद, एंटमैन के बाद फिर सीधे एवेंजर 4 से कनेक्ट करा जा रहा है। इसका मतलब एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में ये कहाँ चले गए थे, उसका रीजन भी आपको एंटमैन द वास्प देख के पता चलेगा। और देन इस मूवी में फाइनली 2 पोस्ट क्रेडिट सीन है, जो कि आपको मैं पहले बता चुका हूँ। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर हल्के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूँ।